마둥이가 해! 헤이! 네트콜리 네트콜리의 마둥이 되게 해보지! 이트나루시드 네이오테 만두이 아프네 무제 만두이 기 서그드 데케로 가다나 만에 우스가 만드라 까마라지 만에 마 만두이 거 거의 비 한이 네이버 자네 딘다 자다다 मैं आपकी सौगंध कमान रखने के लिए उस युद्ध क्षेत्र में नहीं गया। मुझे इतना बड़ा दंड कैसे दे सकती है आप? ये दंड मुझे स्वीकार नहीं है बांधु। उठिए, उठिए, आपको आना होगा। ये मेरा आदेश है। उठिए। ये माला लीजिए बांधु। अपने हाथों से पहनाइए महाराज को। और प्रार्थना करिए अपने आराध्य से जैसे पिपलाद ने प्रार्थना की। मैंने देखा था यदि त्रिदेव चाहे तो मृत व्यक्ति को भी जीवित कर सकते हैं। उनमें इतना सामर्थ्य है। और आप तो नारायण की भक्त है। माधवी उठी है। माधवी माधवी मैंने कहा उठी है। देखिए सात्वना जैसी भावनाएं व्यर्थ है गुरुदेव। समय आ गया है कर्म का, अरे नाम का। नादधीनम जगत सर्वम, नादधीनम जगत सर्वम, नादधीनम जगत सर्वम। शमशान की भूमि से ही महादेव ने मेरे जीवन का आरंभ किया था और अब मैं शमशान से ही महादेव के अंत का आरंभ करूंगा। तांडव की ऊर्जा से उत्पत्ति हुई थी मेरी और अब उसी ऊर्जा के माध्यम से स्वयं विनाश होगा महादेव का। जानता हूं गुरुदेव की महादेव की मृत्यु संभव नहीं। तो लोहितांग उन्हें एक ऐसे जाल में उलझाएगा कि उससे बाहर निकलना उनके लिए संभव नहीं। तांडव स्वामी, यदि एक शिवांश जो नकारात्मकता से परिपूर्ण हो चुका हो वो तांडव करे तो उसके दुष्प्रभावों को नियंत्रित करने हेतु, संतुलित करने हेतु आपको भी तांडव करना पड़ेगा और इसका परिणाम अत्यंत विनाशकारी हो सकता है। इस द्वेष और प्रतिशोध के परे लोहितांग में जन्म से आध्यात्मिकता का बीज स्थित है जो उसे मेरी सकारात्मक ऊर्जाओं से उत्पन्न होने के कारण मिला है। अब या तो वो द्वेष और प्रतिशोध के पटल को चीरता हुआ अपनी नकारात्मकता से मुक्त होगा या फिर वो उस बीज को ही नष्ट कर देगा। ऐसा शत्रु नहीं होना चाहिए महादेव जिसके पास खोने के लिए कुछ ना हो। और आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन कर मुझे अपना एक ऐसा ही शत्रु बना दिया है
अर्थात आपके लिए समस्या अत्यंत गंभीर है महादेव। सुन रहे हैं ना आप लोहितांग की चेतावनी? लोहितांग के तांडव की ऊर्जा, जिसे वो आप ही के विरुद्ध प्रयोग करना चाहता है, उस ऊर्जा को हम सभी निष्प्रभाव कर सकते हैं। मैं तुम्हारी चिंता समझता हूं पार्वती, किंतु अब इस घटनाक्रम की पूर्ति हेतु यही आवश्यक है कि लोहितांग का सामना मैं स्वयं करूं। यदि वो तांडव की ऊर्जा का दुरुपयोग करना चाहता है तो उसे निष्प्रभाव करने का कार्य मुझे स्वयं करना होगा। यदि तुम सभी इस प्रक्रिया में सम्मिलित होना चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। जिस घटनाक्रम का आरंभ मुझसे हुआ है उसका अंत भी मुझे ही करना होगा। मैं किस पर विश्वास करूं? इस मूर्ति पर जो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही है, या फिर उस आकृति पर जो मेरे मन में वास करती आई है, जिसके प्रति मुझे केवल घृणा है? तुम संगीत सीखना चाहोगे? पारं ते परम विदुषो यत्य सकृषि सुतिर्ब्रह्मादिनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथावाच सर्व स्वमति परिणामवधि गृणन्। जगत सर्व यदि ये युद्ध संगीत की शक्ति से होना ही निश्चित है तो वाद्य हमारे अस्त्र होंगे। कार्तिकेय, वेणु तुम्हारा अस्त्र होगा। गणेश, तुमने पखावज वादन स्वयं अपने पिता से सीखा है,
तुम्हारा शस्त्र पखावज ही होगा। देवी लक्ष्मी, आपका वाद्य होगा करताल। नंदी, तुम मुराज बजाओगे। गणप्रेत तुम भी बजाएंगे और अन्य गणप्रेत हुलुक ध्वनि। और देवर्षि, आप इसके निर्वाहक होंगे। और महादेव डमरू बजाएंगे। नाद अधीनम जगत सर्वम। नारायण नारायण। प्रभु, आपने कहा था मेरी और लोहितांग की पुनः भेंट होगी गुरु और शिष्य के रूप में। ऐसा प्रतीत हो रहा है इस यज्ञ में मेरी अंतिम आहुति का समय आ चुका है, जिसके उपरांत आपके द्वारा लोहितांग का शुद्धिकरण निश्चित है। शुद्धिकरण? हां मां, शुद्धिकरण। और आपके शुद्धिकरण के लिए आपका महादेव से मुक्ति पाना यह आवश्यक है, अनिवार्य है। लोहितांग, ये तुम क्या कह रहे हो? पुत्र, तुम्हें ज्ञात भी है कि यदि तुम और महादेव एक साथ तांडव करोगे तो इससे सबसे अधिक पीड़ा हमें होगी, क्योंकि शिव और शिवांश के तांडव का परिणाम निश्चित ही प्रलय है पुत्र। अर्थात तुम्हारी माता का विनाश निश्चित है पुत्र। क्या ये ज्ञात होने के पश्चात भी तुम अपनी माता की पीड़ा के निमित्त बनना चाहोगे पुत्र? मां, मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं और आप क्या समझ रही हैं? महादेव को अपना आराध्य मानकर आप उनके अधीन हो चुकी हैं। मां, उन पर आप आश्रित रहने लगी हैं। कृतज्ञता का भाव है आपका अपने महादेव की प्रति। मां, क्यों, किस लिए? मैं आज अपनी मां को इस कृतज्ञता के भाव से मुक्त करना चाहता हूं, स्वतंत्र करना चाहता हूं। समझने का प्रयास करें मां, अपने तांडव, अपने डमरू के नाद और अपनी ऊर्जा से महादेव ने समस्त लोगों पर अपना वर्चस्व बनाए रखा है। मां, आदिकाल से सभी भयभीत रहते हैं महादेव से। यदि वो कुपित हुए तो तांडव करने लगेंगे, सब नष्ट हो जाएगा। मैं दूंगा इस मिथ्या को चुनौती। मां, महादेव का नाश कर लोहितांग स्थान लेगा महादेव का। पुत्र, तुम्हें ये समझना आवश्यक है कि हमारा अस्तित्व ही महादेव से संबद्ध है, क्योंकि महादेव हमारे आराध्य हैं। मां, 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 आप क्यों नहीं समझ रही हैं? मां, आपको मैं इसी मानसिकता से बाहर निकालना चाहता हूं। आपका अपना अस्तित्व है मां, और जब तक आप महादेव से मुक्त नहीं होती, आपको इस सत्य की अनुभूति कभी नहीं होगी। मां, आपका शुद्धिकरण कर मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं। मां, मैंने आजीवन आपके लिए कभी कुछ नहीं किया, अब करना चाहता हूं। और आपकी इस मुक्ति के लिए तांडव और संगीत ही एक मात्र माध्यम है। नहीं मां, नहीं, आप ये पीड़ा एक अंतिम बार सह लीजिए अपने पुत्र के लिए, अपनी मुक्ति के लिए। ये संघर्ष अनिवार्य है मां, अपने लिए, मेरे लिए, समस्त संसार के लिए। महादेव से मुक्ति के लिए।